हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि हम बहुत ही बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये। तो फोर बेसिक स्टेप्स की बात हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें पहला जो स्टेप है वो है एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में टोटल कितने एज हैं जो हमें पढ़ने हैं। मैं इसकी बातें क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अदर स्ट्रीम से आए हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स से आए हैं, तो वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें ऐसे टाइप जैसे पहले दूसरे सब्जेक्ट साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स वो पढ़ के आए होते हैं, वो वैसे पढ़ते हैं लिटरेचर को, जबकि लिटरेचर एक अलग ही इसकी दुनिया है। तो इस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, जिसको समझने के बाद हमारे लिए जो पोइट्री है और जो इंग्लिश लिटरेचर है टोटल, वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो जब हम इस दुनिया की बात करेंगे तो इसमें पहला जो स्टेप मैंने बताया कि एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि इसमें कितने एज हैं, ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें बेसिक जो स्टेज हैं, जिसमें ओल्ड स्टेज है, मिडल है, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। अब इसके बीच भी में भी ओल्ड बहुत समझने के लिए, सिर्फ बैकग्राउंड के लिए हम पढ़ेंगे। मेन हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर में जो हमारे सिलेबस में है वो मिडिल से शुरू होता है, चौसर के टाइम से। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिनको बोला जाता है, तो चौसर के टाइम से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और मिडिल इंग्लिश का वो पीरियड था 1400 का पीरियड। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, फिर पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे। तो मिडिल से मॉडर्न के बीच में बहुत सारे एरा और जो पीरियड रहे हैं, जिसको हम लिस्ट वाइज देख सकते हैं। उसके बाद तो ये सारे हमें पढ़ने हैं। उसके बाद जो सेकंड बेसिक स्टेप है वो है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर तो हमें ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं, क्योंकि ये हमें, हम जब भी कोई स्टोरी या पोइट्री पढ़ते हैं, ड्रामा नॉवल कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें हमें ये कहीं लिखा नहीं मिलता है कि ये लिटरेरी डिवाइस ये है, यहाँ पे है। हमें वो ढूंढना होता है उसमें, और हम ढूंढेंगे कैसे, जब हमें पता होगा। पता एक्चुअली हमें होता है इन सब चीज़ों का, जैसे कि हम बातें करते हैं कॉमन बातें तो भी हम इनसे चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ राइटिंग जब हम लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे तो हमें समझना होगा कि कौन से वर्ड से या किस हिंट से हम ढूंढेंगे कि पोइट्री में या प्रोज में लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो इसमें कुछ बेसिक डिवाइसेस हैं जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं, जैसे मेटाफर है, एलिस्ट्रेशन है, एल्यूजन है, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, सिमली, प्लॉट, टोन, ये सब है, जिसको फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, इन्हें देखना पड़ेगा, या आप सिंपल स्टेप्स जो मैं आगे लास्ट में बताऊँगी कि आप कौन से सोर्सेज को प्रिफर करें जो रिलायबल हैं, जिससे आप एक अच्छा नॉलेज कम टाइम में गेन कर सकते हैं इसके बारे में। तो हमने बात कर ली एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद हमने दूसरा स्टेप जो डिस्कस किया वो है लिटरेरी डिवाइसेस। ये दोनों चीज़ें जब हमारी रेडी हो जाती हैं, हमें पता हो जाता है कि इंग्लिश में क्या क्या एजेस रहे हैं, पीरियड क्या रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं किसी भी प्रोज एंड पोइट्री में, थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है, हम जो बाकी क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, जैसे लाइक साइंस में या फिर किसी और स्ट्रीम में, तो क्या होता है, हम तो सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है और वो लिख देते हैं। जबकि जब हम लिटरेचर की बात करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर जब हम लिखेंगे तो हम उनके आंसर में उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टफ्स भी डालेंगे। उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस जो होते हैं, जो उस प्रोज या पोइट्री में यूज़ हुए हैं, पोइट ने यूज़ किए हैं या उस टाइम पे कॉमन होते थे, जो यूज़ होते थे, मेन तो पोइट्री से रिलेटेड ही हम लिखेंगे कि पोइट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डिवाइसेस यूज़ हुए हैं।
तो ये हमारे आर्ट ऑफ राइटिंग के अंदर ही आता है। तो पहली चीज़ तो होती है कि हम रेफरेंस लिखते हैं, किसने लिखी है पोएम, कहाँ से ली गई है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, किसके बारे में लिखी हुई है ये बार, मतलब क्या लिखा हुआ है पोएट्री के अंदर या प्रोज के अंदर, वो हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में जो लाइनें हमें मिलती हैं वो उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो आरटीपीसी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जो कमेंट्स या क्रिटिकल कमेंट पूछा जाता है उसमें हमें देना होता है कि क्या क्वेश्चन क्या जो पोइट्री है उसमें थीम क्या है, टोन क्या है, मूड क्या है पोइट का, उसने किस बारे में बात की है, क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, और किस तरीके से उसके पीरियड में, यानी जो पोइट है उसके पीरियड में अदर पोइट किस तरीके के डिवाइसेस यूज़ करते थे, किस तरीके की आर्ट को यूज़ करके वो अपनी पोइट्री लिखते, तो कैसे डिफरेंसेस है, कॉमन चीज़ें क्या हैं दूसरे पोइट से, डिफरेंसेस क्या हैं, हम ऐसा कोटेशन देकर लिख सकते हैं। तो ये हमारी आर्ट ऑफ राइटिंग में आती है पोइट्री के सेक्शन में। जबकि प्रोज के सेक्शन की बात करें तो इसमें हमें एक्सप्लेनेशन देते टाइम बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, सिंबलिज्म, मतलब इसमें आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन अलग टाइप से देते हो, ठीक है। और उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगी आपको इजी करने के लिए। तो चलते हैं फोर स्टेप की तरफ। जो फोर स्टेप है उसमें है सेलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स के जो पोएट्स हैं वो और उनकी पोइट्रीज क्या क्या हैं। तो ये हमें पहले सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो दिया है हमें उसमें से ही पढ़ना है। क्या करना है कि आपने अपने सिलेबस से देख लेने हैं कितने सारे पोएट्स हैं, उनकी कितनी सारी इम्पोर्टेंट पोइट्रीज़ हैं जो हमें पढ़नी है या उसकी प्रिपरेशन हमें करनी है। तो मैं स्क्रीन पे दे दे रही हूँ कुछ पोइट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे कि हमने थर्ड जो सेक्शन में दिखा रखा है ये मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं उसमें डन मार्वल हैं, इसमें हर्बर्ट भी हैं। हर्बर्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट हैं, तो आप हर्बर्ट को भी प्रिफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ डन और मार्वल इसलिए दिखाया है क्योंकि इनके जो मटेरियल्स हैं ऑनलाइन वो बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, जबकि हर्बर्ट के उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है, और काफ़ी लेंदी पोएम भी है। तो हम ऐसे करके चलेंगे कि हमारे कोई पोइट्री के सेक्शन छूटे भी नहीं। और तो ये हमारे जो बाकी सेक्शन हैं ये मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनकी पोइट्रीज मैंने दे रखी है कौन कौन सी हमें पढ़नी है। और तो इसके बाद हम बात करेंगे रिलायबल सोर्सेज की, कि पांचवा जो हमारा स्टेप है या पांचवा जो जिसके बारे में मैंने कहा था कि लास्ट में हम सोर्स की बातें करेंगे, तो जो सोर्स है क्या सोर्स हम प्रिफर करें। तो वीडियोस के लिए आप यूट्यूब प्रिफर करें, यूट्यूब में भी बहुत ही अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियोस हैं, आप उनको प्रिफर करें। और पहले यूट्यूब की वीडियो जब आप देख लेंगे हर सेक्शन से, जैसे इंग्लिश लिटरेचर के एज के बारे में, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा खुद से आइडिया क्रिएट करने में। सेकेंड थिंग है ई नोट्स, जो ऑनलाइन नोट्स हैं वो आप प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, उसमें आप रिलायबल किसको मानेंगे, तो आप स्पार्क नोट्स को मान सकते हैं, ग्रेड सेवर। ये दो सोर्सेज जो हैं ये आपके पोइट्री एंड प्रोज के लिए, नोट्स बनाने के लिए बहुत ही रिलायबल सोर्सेज हैं। और डिवाइसेस के लिए एक साइट में दिखा रही हूँ जिसका नाम है लिटरेरी डिवाइसेस। आप यहाँ पे जा कर के जितनी भी सारे एजोनेंस, कॉन्जोनेंस, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमली, पन, जो भी डिवाइसेज हैं, जितनी भी डिवाइसेज होती हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और उनको थोड़ा रिवाइज करने के लिए या फिर याद करने के लिए आप वीडियोस प्रिफर कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो ये जो सोर्सेज हैं इनको आप यूज़ करके एकदम कम टाइम में एक अच्छा आंसर बना सकते हैं, एक प्रिपरेशन कर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था जो मेरे स्टेप्स थे, मैंने आपको बताए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक्स हैं, बेसिक को जाने बगैर आप कभी भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे इंग्लिश लिटरेचर। तो जब आप ये पोइट्री के साथ कर लेते हो देन आपको प्रोज एंड में जो नॉवल एंड ड्रामा है वो उसके लिए आपको बहुत ईजी हो जाता है। जो फोर्थ वाला पार्ट है मैक 04 का, लैंग्वेज का पार्ट,
वो तो अलग ही टॉपिक है, टेक्निकल है, आप उसको बुक से पढ़ सकते हो। उसके बारे में भी टॉपिक वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से प्रिफर कर सकते हो। मैं आगे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ टॉपिक में, मेन मेन चीज़ों की, सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स में समझा दूँगी क्या होता है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।